हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ दैट बेसिकली इज़ कि नो कॉन्टैक्ट आगे क्या होगा, उनका कॉल आपको आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे दो कैंडल्स रखे हुए हैं, सबसे पहला वाला है पर्पल, दूसरा वाला है रेड। आप वीडियो को पॉज कर लें और इन दोनों ही कैंडल्स में से किसी एक कैंडल को चुन लें, उसके बाद मैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करूँगी। इससे पहले कि आप कैंडल सेलेक्ट करो अपने पार्टनर के बारे में, अच्छी तरीके से सोच करके कि वो कब तक फ़ोन करेंगे, नो कॉन्टैक्ट है उनके लाइफ में, क्या चल रहा होगा, ये सारी चीज़ें सोच करके और फिर एक कैंडल आपको सेलेक्ट करना है, फिर मैं आपके सामने आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। ओके, सो अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप अपना कैंडल सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके भी आप कैंडल सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट्स में है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो नो कॉन्टैक्ट उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनका कॉल आपको कब तक आएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पाइल, दैट इज दिस पाइल, पर्पल पाइल। उसके बाद हम अपने रेड पाइल पे जाएंगे, तो आई विल जस्ट पुट इट हियर। ओके, सो जो हमारा पर्पल पाइल जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में पहले तो क्या चल रहा है, बेसिकली आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट आई कैन सी कि बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बिखरती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं। बेसिकली एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोग धीरे धीरे मैं और भी आपको बताती जाऊँगी, पहले जितना आया है उसको रीड करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे ये जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है उसके पहले ही छोटे 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 प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे थे, दिक्कतें बहुत सारी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, सो अ लॉट ऑफ स्मॉल 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 प्रॉब्लम्स, हो सकता है उस टाइम पे आपने ध्यान ना दिया हो या उन्होंने ध्यान ना दिया हो, या मे बी उस टाइम पे लड़ाई झगड़े होते होंगे मगर फिर सॉर्ट आउट हो जाती होंगी। अब क्या है ना कि एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ने मिल के एक मेजर ब्लॉक आप लोगों के बीच में क्रिएट कर दिया है। तो एक तरीके से कभी अगर बात होती है, मान लीजिए सपोज़ जो नो कॉन्टैक्ट में है, लो कॉन्टैक्ट में है, अच्छा ये जनरल रीडिंग है, किसी की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर आपकी बात होती है तो समवेयर आई फील कि ये जो मेजर ब्लॉकेज है ना आप दोनों के बीच में, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि वो फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को आगे नहीं बढ़ने देता होगा। लाइक आप उनको कुछ समझाना चाहो तो वो नहीं समझते होंगे, वो आपको कुछ समझाना चाहें तो आप नहीं समझते हो। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आई कैन सी, बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आई कैन सी। समवेयर एक लॉयल्टी वाली चीज़ भी मुझे नज़र आती है, आप दोनों ही लॉयल हो सकते हो, या देखिए नो कॉन्टैक्ट है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों में प्यार नहीं है। ओके, ऐसा कहीं से भी ज़रूरी नहीं होता है कि नो कॉन्टैक्ट है तो प्यार नहीं है, प्यार होता है, बहुत टाइम्स पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कभी प्यार नहीं भी होता है, तो वट एवर सूट्स यू। बट एक पर्सन तो 100% कोई है जो कि बहुत ज़्यादा समवेयर लॉयल है, मुझे लॉयल नज़र आता है, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी वाली चीज़ें उस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आती हैं। ओके, बट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, चीज़ें बहुत मुझे कन्फ्यूजिंग समवेयर नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम्स बड़ी, एक्चुअली छोटे प्रॉब्लम्स बड़ी हो गई हैं। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक कि जो चीज़ें ना सॉर्ट आउट हो सकती है, देखिए बड़ी प्रॉब्लम आए और वो बड़ी हो जाए दैट इज़ ओके, बट छोटी प्रॉब्लम्स आके वो बड़ी हो जाए दैट इज़ नॉट ओके। ओके, सो छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत बड़े होने का रूप ले लिया, कहीं ना कहीं चीज़ें जब सॉल्व नहीं होती हैं तो वो एक होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को साफ नहीं करते तो धूल 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 और फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ओके, तो उसी तरीके से एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम तीन प्रॉब्लम मिलके अभी सिचुएशंस को ब्लॉक कर रही है। आपका कन्वर्सेशन इसलिए भी नहीं हो रहा है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक्ड लग रही है। आई कैन ऑल्सो सी अ पर्सन, ओके,
मे बी ये पर्सन कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, सम पर्सन इन्वॉल्व ओवर ईयर, जिसका से या जिसका सिचुएशन कन्फ्यूजन्स को बढ़ाने का है. ओके, सो मे बी आप किसी से शेयर कर रहे हो या आपके पार्टनर किसी से शेयर कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू और हिम राइट एडवाइसेस या हर राइट एडवाइसेस. तो कोशिश कीजिए कि अपने रिलेशनशिप को जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने तक ही रखने की कोशिश की जाए तो बेहतर है. ओके, सो देयर इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज, अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज, ओ माई गॉड, प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हो रही हैं. ओके, सो हैं और चीज़ें अभी भी सेटल नहीं हुई हैं. ओके, चीज़ें अभी भी पूरे तरीके से सेटल नहीं हुई हैं. सो समवे यू हैव टू फोकस कि क्या करना है कमिंग टाइम में. ओके, सो So let's get started again. एक ना मतलब एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है आपके और इनके बीच में. बहुत बार चीज़ें जुड़ने के तरफ आई होंगी, बहुत बार चीज़ें सॉर्ट आउट होने के तरफ आई होंगी, बट ये ब्लॉकेजेस चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं होने दे रहे हैं. ओके, आउटर इन्फ्लुएंसेस से थोड़ा आपको अभी बच के रहना है. जितना भी हो आउटर इन्फ्लुएंसेस से बच के रहने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए. डू नॉट इंगेज योर सेल्फ इन, कोई आपको सजेशन दे रहा है या उनको दे रहा है, उससे आप दोनों को ही थोड़ा सा अलग रहने का सजेशन मैं अभी आपको दूंगी कि आप लोग उससे थोड़ा अलग रहने की कोशिश करें, उस पूरे सिचुएशन से थोड़ा अलग रहने की कोशिश करें. अभी यूजिंग सेल्फ को यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, चीज़ें ना आप लोगों के बीच में आकर के एक जगह पे रुक गई हैं. समहाउ सिचुएशंस हैव कम और एकदम से स्टॉप कर चुकी हैं, एकदम से रुक गई हैं. बहुत ज़्यादा मतलब फंस गई होंगी या रुक गई होंगी, एक जगह से मूवमेंट हो नहीं पा रहा है. ओके, एंड मैं आपको कुछ लेटर्स बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से इनका मीनिंग अपने लाइफ में या अपने पार्टनर के रिस्पेक्ट में देख लेना. V A B I S, ओके, C एंड T, कुछ और लेटर्स आई होप मैं मिस ना कर रही हूँ. L भी एक लेटर है, आप देख लेना इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कोई पर्सन है या कुछ ऐसा सा है, ये आपको देखना पड़ेगा. सो विल सी कि इनका कॉल आपको कब तक आएगा, कब तक वी कैन एक्सपेक्ट. ओके, सो लेट्स सी कि इस पर्सन का के साथ आपका कम्युनिकेशन, चाहे वो कॉल पे हो, मैसेज पे हो या कुछ भी हो, वो कब तक होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब आर दे गोइंग टू कॉल और नॉट. ओके, सो जहाँ तक कन्वर्जेशन होने की बात है, आप दोनों का कन्वर्जेशन तो होगा, बट एक जो नेगेटिविटी में आप लोग फंस गए हो ना, बात होगी,
अभी हो, बाद में हो, होगी. सो समथिंग रिलेटेड विथ टू, वन, ज़ीरो. तो जैसे टू हो गया, ट्वेल्व हो गया, 22 हो गया, या 21, 22, सारे ही नंबर्स हो गए. ज़ीरो वन कोई टाइम रिप्रेजेंट कर सकता है, या 10 PM रिप्रेजेंट कर सकता है, या 1 AM रिप्रेजेंट कर सकता है, 1 PM रिप्रेजेंट कर सकता है. ओके, सो समवेयर मिड डे में. अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने वन बोला है तो वन ही पे आए, इट कैन कम एट टू ऑल्सो. थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आधे घंटे का आगे पीछे हो सकता है. ओके, बट द थिंग इज ना कि कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रही है. कुछ लोगों के लिए तो छोटे छोटे कॉल्स या छोटे छोटे मैसेजेस वो कमिंग टाइम पे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ही आने लग जाएगा. और कुछ लोगों के लिए क्या है ना कि चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब फंस गई हैं, इतनी ब्लॉक्ड हो गई हैं कि ये पर्सन सोच भी रहा है ना तो आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है. अब ये ब्लॉकेजेस एनर्जी के हो सकते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में एनर्जी ही ब्लॉक हो गई, बात करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे. कभी कभी लोग भी कर देते हैं, जैसे जो लोग नहीं चाहते कि आपकी उनकी बात हो, या जैसे कभी हम अपने इन्फॉर्मेशन दूसरे के थ्रू भिजवाते हैं तो सामने वाला पर्सन क्या बता रहा है. आपने अगर किसी को आम बोला, वो अगर उधर जाके इमली बता रहा है, तो ये तो आपको नहीं पता है ना. फेथ करके बंदा बताता है किसी को भी. सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर कि इस पर्सन के साथ ना लाइक कन्वर्सेशन है, टूट टूट के ही है, थोड़ी थोड़ी ही है, बट है. कन्वर्सेशन इज गोइंग टू हैपन, दिस इज़ फॉर श्योर. बट कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. ओके, तो आई होप कि आपको मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद आई हो. जाने से पहले ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा. एंड आई होप कि अगर आप कोई टॉपिक देते हो तो उस पर भी मैं रीडिंग लेके आऊँगी. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पाइल, दैट इज़ द रेड पाइल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेकेंड पाइल. उनके दिल में क्या है एंड कब तक कॉल या मैसेजेस या कम्युनिकेशन कब तक होगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस पर्सन के दिल में आपको लेकर के क्या चीज़ें हैं. ओके, सो ये पर्सन के दिल में आपको लेके इमोशंस तो हैं, काफ़ी होंगे, काफ़ी. मुझे एक ओल्ड रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, लाइक काफ़ी टाइम से मे बी ये रिलेशनशिप चला आ रहा हो, काफ़ी समय से रिलेशनशिप चला आ रहा हो, और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी मे बी आप लोगों ने साथ में देखे हो या साथ में फेस किए हो. ओके, एंड बहुत प्रॉब्लम्स कभी कभी आते हैं ना रिलेशनशिप में, एंड चीज़ें वैसी अप डाउन होती हैं. बावजूद इसके बहुत सिचुएशंस, बहुत कपल्स बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं. ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, आई कैन से दिस. सो अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, लो कम्युनिकेशन में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन दिस रिलेशनशिप. बट आई कैन सी डाइवर्जन्स ऑल्सो. सो जिसके लिए जो चीज़ें आएंगी मैं आपको बताऊँगी. सो ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके लव लाइफ में किसी टाइप का कोई डाइवर्जन आ रखा है, या तो वो आपको टाइम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि वो कहीं और बिजी हैं, या किसी और चीज़ में फंसे हुए हैं. सी, इसमें लव है. ओके, और बहुत चेंजिंग टाइम के साथ आप लोगों ने चेंज किया है, एडजस्ट किया है एक दूसरे को लेकर के, अंडरस्टैंड किया है. ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव आई कैन सी, तो देयर इज़ ऑल्सो डाइवर्जन आई कैन सी. सो ये पर्सन या तो अपने काम में, या तो अपनी ज़िंदगी में, या तो किसी और पर्सन के साथ में भी, ये पर्सन मुझे उस डाइवर्टेड एनर्जी में भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं. सो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो. जैसे कभी कभी लोगों का वर्कलोड बढ़ जाता है तो इंसान अपने रिलेशनशिप के साथ साथ अपने वर्क को भी ज़्यादा टाइम देने लगता है, या उस पर्टिकुलर टाइम पे रिलेशनशिप पे कम ध्यान होता है एंड वर्क पे ज़्यादा. ये पॉसिबिलिटी है, फैमिली में ध्यान हो, ये पॉसिबिलिटी है, कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंड्स वेंड्स के ऊपर ध्यान हो, ये पॉसिबिलिटी है, कोई और पिक्चर में हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है. सी व्हाट सूट्स यू गोज़ फॉर यू. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सारे ही केसेस को डिस्कस करना यहाँ पे
सही समझ रही हूँ। सी, ये लव तो बहुत अच्छा है, ओके, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ, हर तरीके से ना मुझे वो कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से ऐसा हुआ होगा कि अलग होने वाला सिचुएशन आया या चीज़ें शेक कर गई होंगी, बट समहाउ आपने या उन्होंने या डिवाइन ने इस रिलेशनशिप को जो है वो संभाल लिया एंड चीज़ें सही कर ली। ओके, सो दैट आई कैन सी, देर इज़ अ लॉट ऑफ रोमांस, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, सो बोथ ऑफ यू एंड थिंग्स लाइक दैट, या तो आप या तो वो या बोथ ऑफ यू गाइज आर क्वाइट रोमांटिक। ओके ओके फाइन, सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस होल सिचुएशन? लव तो है, लव तो 100% है ही है। हाँ, मगर डाइवर्जन भी हो सकता है, लाइक देर इज पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन अभी फिलहाल सही रास्ते पे ना हो। अगर वर्क में बिजी हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर चीज़ें किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं देन इट कैन बिकम क्वाइट क्वाइट प्रॉब्लमैटिक। ओके, एक जंप या एक ट्रांजिशन मुझे नज़र आ रहा है, ये रिलेशनशिप पे अभी ध्यान नहीं दे रहे। सो इंस्पाइट कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आई कैन सी अ लॉट ऑफ जंपिंग, या तो आपने पास्ट में किया होगा या ये अभी कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ जंपिंग, वो कहीं ना कहीं उनका माइंड कहीं और भी है। ओके, एंड नो कॉन्टैक्ट वाली जो चीज़ें हैं ना वो सेटल नहीं हो रही हैं, लाइक कन्वर्जेशन अगर हो भी रहा है तो समवेयर चीज़ें अभी भी बैक ऑफ माइंड में उनके चल रही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो आपके लव लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, वो आपके पूरे सिचुएशन को इफेक्ट कर रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दिस पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, ये पर्सन आपकी बातें सुन नहीं रहा है। समवेयर इसके माइंड में आपकी बातें जा नहीं रही हैं। सी, अब ये इसलिए इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज़ जब लव अच्छा होता है तो इंसान को उम्मीद होती है कि इस पर्सन के साथ में चीज़ें ठीक हो जाए, एंड इफ योर पार्टनर इज़ नॉट लिसनिंग टू यू देन इट क्वाइट बिकम्स डिफिकल्ट, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम हो जाता है, बहुत दिक्कतों भरा टाइम हो जाता है। ओके, आई सी अ लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। लव बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, या तो आप पूरे दिल से प्यार करते हो इस पर्सन को, मतलब लाइक विद ऑल योर हार्ट, एंड ये पर्सन वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, बट एक पर्सन का या जिनका अच्छा है उसमें दोनों लोगों का लव इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। दिस पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, दिस पर्सन इज़ लाइक इन अ लूप, ये जिस हिसाब से चलते हैं ना, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, एक डोमिनेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो दिस डोमिनेंस कैन आइदर बी फ्रॉम योर साइड और देयर साइड, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, हालांकि ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहा है कि आपके पार्टनर डोमिनेटिंग हैं। ओके, मतलब अपनी चलाने वाले लोगों में से हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात ना सुने, सॉरी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती पे ही अपनी बात चलाएं, मगर ये ज़रूर है कि थोड़ा सा डोमिनेंस मुझे नज़र आ रहा है, चीज़ें रिलेशनशिप में उनके मर्ज़ी से ज़्यादा चलती आई हैं, ज़्यादा होती आई हैं। ओके, एडजस्टमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू एडजस्ट। एट द सेम टाइम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एडजस्ट कर जाओ। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को सावधान करना चाहूँगी कि व्हाट यू मे बी सीइंग, मतलब जो आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं हो कि चीज़ें वैसी ही हो। ओके, सो
आप पहले अपना लव देखिए कि आप इस पर्सन को कितना प्यार करते हो, एंड देन एक सही डिसीजन लीजिए कि ये सामने वाला पर्सन आपको कितना प्यार करता है, क्योंकि ना मुझे ये बहुत जंप करते हुए नजर आ रहे हैं. लाइक लव है, आई एम नॉट सेइंग कि लव नहीं है, मगर इस लव का कोई रिस्पेक्ट या इस लव के ऊपर स्टेबिलिटी या इसके लिए स्टैंड लेना, तो कभी भी कोई ऐसा टॉपिक आएगा जहाँ पे इनको स्टैंड लेना है आपके लिए, तो ये दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या दूसरे सिचुएशंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे. आपको नीचे रखेंगे या अपने रिलेशनशिप को नीचे रखेंगे, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, तो दैट कैन बिकम रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू. एंड नेक्स्ट वील सी कि कम्युनिकेशन का क्या है आप दोनों के बीच में. ओके सो लेट्स सी कि कम्युनिकेशन का आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है. सो देर आर पीपल जिनकी बात हो रही है, हाँ कमी हो रही होगी बट हो रही है. ओके सो देर आर पीपल. सी इस वाले पाइल को जिसने भी सेलेक्ट किया है ना, आप को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अपने पार्टनर पे फेथ रखो, मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने लव पे फेथ रखो. आपको इस पर्सन का कॉल ज़रूर आएगा. जितना चीज़ें मैं सब होनी नहीं थी ना, उतनी हो रखी हैं. ओके सो काफ़ी चीज़ें मैं सब हो रखी हैं, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रखी हैं, बट कम्युनिकेशन इज़ ऑफकोर्स देयर, चाहे वो मैसेज से हो, कॉल से हो, किसी भी तरीके से हो. आजकल तो बात करने के 1000 तरीके आ गए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वट एवर वी द डे, बट बात आप लोगों की होगी, दैट इज़ फॉर श्योर. आप लोगों की बात होगी. एंड वन मोर थिंग इज देयर इज कि आई सी समबडी इज लाइक क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू गाइज, समबडी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू गाइज, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप अच्छा चल नहीं रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप अच्छा चलना चाहिए था. अब कभी कभी अपनी गलतियाँ भी होती हैं, बाहर के लोगों की भी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हम आइसोलेटेड नहीं होते हैं. हम जब भी कोई रिलेशनशिप चला रहे होते हैं तो साइड बाय साइड हमारे और भी रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं, परिवार के, दोस्त के, सब के. ओके सो आई कैन सी कि यह तो आप दोनों की ही गलती है, बिकॉज दिस सिचुएशन इज ऑल दो वेरी स्टक, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गो थ्रू करना पड़ रहा है. कम्युनिकेशन चैनल भी अच्छा है तो बहुत लोगों की तो बात हो रही होगी, चाहे कम ही हो मगर हो रही होगी, एंड जिनकी नहीं हो रही है उनकी भी कमिंग टाइम पे होगी. फॉर दैट मैटर एक ही बार सही, मगर एक बार ये पर्सन चीज़ें क्लियर आउट करने आएगा या आप जाओगे, बिकॉज कम्युनिकेशन होगा तो ये ज़रूरी नहीं वही आए, आप ही जाओ, बात होगी मतलब होगी, अब चाहे आप करो वो करो होगी ज़रूर. सो आई सी समबडी स्टैंडिंग वेरी पैरेलल टू योर रिलेशनशिप. ओके जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी टाइम पे अपने लव को प्रायोरिटी ना देके दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटी देना, दूसरे सिचुएशंस में फंसे रहना, ये सारी चीज़ें मुझे इस पूरे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं. आइडियली किसी एक चीज़ को पकड़ के रखना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे लोग नहीं मानेंगे. अगर मान लो सपोज आप शादी करने वाले हो या शादी कर चुके हो, तो नहीं, दिस पीपल विल नॉट लाइक, मे बी सोसाइटी या सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा देखना और सराउंडिंग की वजह से अपने रिलेशनशिप पे लाके प्रॉब्लम्स खड़ी कर देना. ऐसी एक एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके साथ. ओके जो कि आपके रिलेशनशिप में एक पैरेलल सिचुएशंस चला रही हैं, पैरेलल, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल, जो कि आपको बिल्कुल नापसंद होगा और आप चाहते होगे कि आपके पार्टनर जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करें. सो कम्युनिकेशन इज़ ऑफकोर्स गोइंग टू हैपन. ओके एक जो डेट्स कुछ मैं आपको देना चाहूँगी वो होगा 8, 7, 6, 9. ओके ये आप टाइमिंग पे भी रख सकते हो और डेट्स पे भी रख सकते हो, तो इसी टाइमिंग या इसी ये में आपकी उनसे बात होगी. ओके तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो. जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें.